Hello students, my name is Adisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. Aaj hum refrigeration and air conditioning ME301 ka unit number 2 refrigeration system ka 10th part start kar rahe hain. Isse pehle jo humne 9th part padha tha, usme humne methods of improving COP on vapor compression cycle padha tha, jisme humne two methods study kiye the. फर्स्ट था बाय यूजिंग अ फ्लैश चैम्बर बिटवीन द एक्सपेंशन वाल्व एंड द इवेपोरेटर. सेकंड था बाय सबकूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग वेपर रेफ्रिजरेंट. सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग सीओपी बाय फॉलोइंग टू प्रोसेसेस. फर्स्ट विच इज सबकूलिंग बाय एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स एंड सेकंड सबकूलिंग विद द लिक्विड रेफ्रिजरेंट. तो अब हम सब कूलिंग बाय एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं. आज सब कूलिंग ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स, जिसे बोलते हैं बाह्य स्रोत द्वारा द्रव प्रशीतक का अवशीतलन करके. यदि संपीतक से बाहर आने वाली वाष्प का संतृप्त तापमान यानी कि सैचुरेटेड टेम्परेचर संघनित्र में प्रवाह होने वाले यानी कि कंडेंसर में प्रवाह होने वाले पानी के तापमान से कम हो, तो संघनित्र में ज्यादा मात्रा में पानी प्रवाहित करके द्रव प्रशीतक को अवशीतलित किया जा सकता है. ठीक है, यहाँ पे इसका पेज डायग्राम दे रखा है. ठीक है, क्या इससे क्या मतलब निकल रहा है? यदि संपीड़न से बाहर आने वाली वाष्प का सैचुरेटेड टेम्परेचर कंडेंसर में प्रवाहित होने वाले पानी के तापमान से कम हो, तो संघनित्र में ज्यादा मात्रा में पानी प्रवाहित करके द्रव प्रशीतक को अवशीतलित किया जा सकता है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका अवशीतलन यानी कि सब कूलिंग किया जाता है. ठीक है, इस प्रणाली के द्वारा प्रशीतन निकाय के निष्पादन गुणांक तथा संपीड़क के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इससे इसका जो सीओपी है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो इसका पहले इसका साइकिल था 1, 2, 3, 4. ठीक है, फ्रॉम 1 to 2 वाष्पन, 2 to 3 संपीड़न, 3 to 4 संघनन एंड 4 to 1 अगेन प्रसारण. अभी साइकिल चल रही थी. अब हमने क्या करा, संघनित्र में इसका अवशीतलन किया. तो ये 4 to 4 इसका सबकूलिंग हो गया. फिर उसके बाद इसका एक्सपेंशन वॉल्व में एट कांस्टेंट एंथैल्पी एक्सपेंशन किया. ठीक है, तो अब जो न्यू साइकिल है वो है 1-2-3-4. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये संघनित्र से लिक्विड निकला. ठीक है, और यहाँ पे ये सब कूलिंग स्टेज में आ गया. फिर सब कूल्ड स्टेज में इसका एक्सपेंशन वॉल्व में एक्सपेंशन किया गया और फिर ये इवेपोरेटर में चला गया. ठीक है, तो ये था प्रोसेस सब कूलिंग ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स. नेक्स्ट है सब कूलिंग विद लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जिसे बोलते हैं द्रव प्रशीतक का द्रव प्रशीतक द्वारा अवशीतलन करके. इस प्रणाली में हम देखते हैं कि यदि संघनित्र से बाहर आने वाले, ठीक है, यानी कि कंडेंसर से बाहर आने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एक्सपेंशन वॉल्व से बाहर आने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट के ताप से अधिक होता है. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं यह है पीएच डायग्राम. ठीक है, कंडेंसर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाहर आ रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेपर रेफ्रिजरेंट दैट हैज कम आउट फ्रॉम द इवेपोरेटर. ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तापमान कम होता है और इस पॉइंट पे वेपर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होता है और इस पॉइंट पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी
पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम से हमने जब पहले पढ़ा था वेपर कंप्रेशन साइकिल उसमें हमें ये पता था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि संघनित्र से बाहर आने वाले द्रव प्रक्षेपक को यदि एक ऊष्मा विनिमित्र, ठीक है, जिसे कहते हैं हीट एक्सटेंजर, तो इस कंडेंसर से बाहर आने वाले लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक हीट एक्सचेंजर में ठंडा करके अवशीतलित यानी कि सब कूलिंग किया जा सकता है, जिसके लिए प्रसारण वॉल से बाहर आने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट शीतलन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, संपीड़क में लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड हुआ, ठीक है, ये था एम प्लस एम लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है, सॉरी एम प्लस एम वेपर रेफ्रिजरेंट, फिर ये कंडेंसर में गया, वहाँ पे ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो गया। ये एम प्लस एम लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर हीट एक्सचेंजर से पास हुआ, ठीक है। इस हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, यहाँ पे जो गर्म जल है वो यहाँ से पास होता है, ठीक है, और फिर ये एक्सपांशन वॉल्व में प्रवेश करता है। एक्सपांशन वॉल्व में प्रवेश करने के बाद एम अमाउंट ऑफ जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एवोपरेटर में चला जाता है और एम डैश अमाउंट का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हीट एक्सचेंजर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वापस एम डैश लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें से आता है और वापस संपीडक में एम प्लस एम डैश वेपर रेफ्रिजरेंट मिलके कंप्रेसर में चला जाता है। अतः संघनित्र से बाहर आने वाले द्रव प्रक्षेपक को एक ऊष्मा विनिमित्र में ठंडा करके सब कूलिंग किया जाता है, जिसके लिए एक्सपांशन वॉल से बाहर आने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट कूलिंग मीडियम के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो चूंकि इस साइकिल के सीओपी का मान और कंप्रेसर को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति की मात्रा उतनी ही होती है जो कि एक सरल संतृप्त चक्र के लिए होती है, इसलिए इस प्रणाली का प्रयोग लाभप्रद नहीं रहता है। तो ये थी हमारी दो मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग सीओपी। इससे हमारा मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।